हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 26 मई। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। एक मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है, हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। होनालुलु, 26 मई 1976। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। जो लोग उस दर्जे में पहुंचे नहीं है उसको कहा जाता है पुण्यवान। आगे जाकर के शुद्ध भक्त हो जाएंगे। इसी शास्त्र में निर्देश है, यदि आपके पास कुछ कामना भी है तब भी भगवत भजन की। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न जजेत परम पुरुष। यद्यपि भगवान से मांगना उचित नहीं है, ताकि साधारण व्यक्ति जैसा क्रिश्चियन लोग भगवान से मांगते हैं, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। ठीक है, भगवान को मांगने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान जिसको जो देना है सब देते हैं। एको जो बहुनाम विदधाति कामान, भगवान का अर्थ होता है जो सबके कामना पूर्ण कर। तो ये जो खाने पीने का लिए भगवान के पास जाना, ये खराब भी नहीं है बाकी उचित भी नहीं है। भगवान के पास पहुंचना इसलिए है, जो भगवान मैं तो ये माया में फंस गया है, आप कृपा करके फिर अपना सेवा में लगा ली बाई। नंद तनुजा पतितं किंकर माम भीषमे बवाम्बुलो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत। ये चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया है जो भगवान से क्या चीज प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान नंद तनुजा, भगवान जब इधर आए थे नंद महाराज का पुत्र होकर के वृंदावन में ठहरे थे, तो इसको भगवान का नंद नंदन बोलने से बड़ी खुशी होती है भगवान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया है ई नंद तनुज। कृष्ण ने बताया वासुदेव, उससे और भगवान खुशी रहते हैं। नंद तनुज कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत पतितं किंकरं माम। मैं किसी कारण से ये जो भव समुद्र है, जो मेटीरियल वर्ल्ड भौतिक जगत, इसको भव समुद्र बोला जाता है। भव का अर्थ होता है जन्म लोग थे, एक दफे मरो और एक दफे फिर जन्म लो। और वो एक किस्म का जन्म नहीं, अनेक प्रकार 84 लाख जोनि ये सब भ्रमण करने पड़ता है। इसलिए नाम है भव समुद्र। न जाने क्या जन्म हो जाएगा, इसको समझना चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए है, जो ये भव समुद्र में देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़कर के एक शरीर लेने पड़ता है। अब उसमें हमको तैयार होना चाहिए जो किस प्रकार शरीर आगे हमको मिले, वो भी भगवान गीता में बताया। ये यदि आप तैयार होने को चाहते हैं तो निश्चित कर लीजिए किधर आप जाने चाहते। यदि आप स्वर्गलोक आदि अनेक अच्छा अच्छा जगह है, स्वर्गलोक जनलोक महलोक सत्यलोक, ये चतुर्दश भुवन है और नीचे भी है
तल अतल पाताल नीतल तलातल रसातल इस प्रकार है सर। भूत भुव ओम आप लोग जो गायत्री जपते हैं ओम भू भुव सवित वरण्यम भर्गदेव, तो त्रि जगत ऊंचे लोक में जाने चाहते हैं तब जा सकते। जानति देव व्रता देवा, तो देवतम लोग का उपासना कीजिए। अब ऐसा एरोप्लेन चैप करके जो चंद्र लोग में जाएंगे ये संभव नहीं है, आपको वो तैयार होने पड़ेगा। यदि आप चंद्र लोग में जाने को चाहते हैं उसका साधन शास्त्र विधि है कर्मकांड विचार से, आप चंद्र लोग में जा सकते। और उधर जाने से आपको देव वर्ष यानी हम लोग को 6 महीना उनका 1 दिन, इस प्रकार 10,000 बरस परमायु उधर मिल सकता है। और भोग इधर से हजारों गुण ज्यादा ये सब मिल सकता है। इसलिए बोला जाता है सद्गुलोक जनलोक मोहलोक तपोलोक ब्रह्मलोक। यदि आप उच्च लोक में जाने को चाहते हैं तो उस प्रकार प्रस्तुत होइए, उधर आप जा सकते। जानति देव व्रता देवान पितरी जानति पितरी व्रता, पितृलोक में आप जाने चाहते हैं श्राद्ध पुण्यादि कर्मकांड विचार करके। और यदि आप इधर ही जाने चाहते हैं, ये हमारा देश है, ये भारतवर्ष है, ये इंग्लैंड है, आजकल नेशनलिज्म खूब चलता है, इधर भी रह सकते हैं। जाति भूते जा भूतानी। और यदि आप चाहते हैं जो हमारा बस चले आएंगे मत जालिनो की जानती मां, तो भगवान भक्त हो जाइए, फिर भगवान का बस चले जाएंगे। ये आपको विचार है कहां जाना है तथा देहांतर प्राप्ति, इसके लिए तैयार होना चाहिए। जानते देव व्रता देवान, ये मनुष्य जीवन का ये कर्तव्य है, ऐसा खाली पशु का ऐसा जीवन यापन करना और भगवान कुछ है नहीं, खाओ पियो मजा करो, ये पशु जीवन। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुलक्षय प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातनः, धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नाम अधर्मो अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। देखिए, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए पुरुष आए और उसमें भी भीष्म द्रोण कृपाचार्य सब बड़े बड़े लोग आए, द्रुपद महाराज शाल्य ये सब, यानी अपने घर के अपने राज्य के ये सब लीडर्स हैं और इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है इनकी? इनकी जिम्मेदारी यह है कि देखना कि उनके परिवार में उनके राज्य में सबका शुद्धिकरण हो। यह क्या है शुद्धिकरण? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, स्पिरिचुअली सैनिटाइज करना है। आजकल यही शब्द चल रहे हैं ना, सैनिटाइज करो। सैनिटाइज मतलब क्या? शुद्ध करो। लेकिन ये तो भौतिक स्तर पे है, आध्यात्मिक शुद्धिकरण और इम्यूनिटी बढ़ाना, आध्यात्मिक शक्ति इम्यूनिटी को बढ़ाना कि वो व्यक्ति प्रभावित न हो अनर्थों से अपराधों से। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़ों की जिम्मेदारी। लेकिन प्रभु अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि प्रभु अगर ये सब मारे गए तो कौन देखेगा राज्य में क्या हो रहा है, कौन शुद्धिकरण करेगा? देखिए, शुद्धिकरण के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। जात संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है,
शिक्षा संस्कार होता है, विवाह संस्कार शुद्धि के लिए होता है। बिना विवाह के आज हम देख रहे हैं, बिना विवाह के लोग संबंध बना रहे हैं, कहां कैसे शुद्धिकरण होगा। शिक्षा नहीं मिल रही है, आध्यात्मिक शिक्षा आज हम ये सब देख रहे हैं। गर्भदान संस्कार नहीं हो रहा, तो अशुद्धि बढ़ती जा रही है समाज में। इसी अशुद्धि का कारण है लोगों के अंदर अनर्थ भी बढ़ रहे हैं और बाहर से प्रदूषण भी बढ़ रहा है, और ये वायरस भी उसी अशुद्धि का कारण है। ये मत सोचिए कि वायरस कुछ नया है, वही अशुद्धि का, अंदर की अशुद्धि बाहर आई और बाहर से वायरस प्रकट हुआ। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? बड़ों की। लेकिन ये सब मारे जाएंगे प्रभु, तो फिर कैसे होगा? घर में कौन बचेगा? महिलाएं, माताएं बचेंगी? कौन सिखाएगा धर्म? और माताएं क्या कहेंगी? घर की महिलाएं क्या कहेंगी? ये क्षत्रियों ने, ये पुरुषों ने सारे नियम तोड़ दिए, अधर्म के रास्ते पर चले। क्यों? अपने भाई को मार दिया, अपने मामा को मार दिया, चाचा को मार दिया, ताऊ को मार दिया, ससुर को मार दिया, पुत्र को मार दिया, अभिमन्यु को मारा ना। दुर्योधन के पुत्र समान ही तो है ना, कर्ण के पुत्र समान है, अर्जुन का पुत्र है, तो क्या आपके पुत्र समान है? वो मार दिया। तो महिलाएं सोचेंगी घर की कि ये तो सब अधर्म पे आ गए, हम भी अधर्म के रास्ते पे चलेंगे। सोचिए, स्त्री अधर्म के रास्ते पे चलेगी तो क्या होगा? वर्ण संकर ये आगे आएगा। जो संतान की उत्पत्ति होगी बिना शुद्धिकरण के, वो संतान असुरी होता है, असुरी प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। आज प्रायः पूरे संसार में ऐसे ही हो रहा है, इसलिए असुरी प्रवृत्ति पूरे संसार में बढ़ रही है। तो इसको कौन संभालेगा? तो अर्जुन का कहना सही है, लेकिन मान लीजिए अर्जुन युद्ध नहीं करता, चला गया, भगवान ने बोला ठीक है युद्ध नहीं करेंगे, तो राजा कौन रहेगा? दुर्योधन। ये वही दुर्योधन है जिसने 20,000 राजाओं की सभा में द्रौपदी, जो कि महारानी है इंद्रप्रस्थ की, क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे, महारानी के कपड़े उतारने की ये हिम्मत रख सकता है। कि कितना बड़ा पापी, कितना असुर है कि ऐसी भरी सभा में एक स्त्री को, वो भी महारानी को, उसके वस्त्र निकाल रहा है। तो ये राजा रहेगा तो सोचिए क्या सुरक्षित रहेंगे संसारी लोग? इस संसार के लोग सुरक्षित रहेंगे? ये व्यक्ति जो अधर्म से चल रहा है, ये कैसे धर्म को फैलाएगा? भगवान ये समझाएंगे अर्जुन को, इसीलिए उसको हटाना जरूरी है। कई बार आप कुछ खेलने जाते हैं या वॉक पे जाते हैं, तो चप्पल उतार के ना घास पे चलते हैं, तो कभी कभी कांटा घुस जाता है अंदर, देखिएगा, आप उसको निकाल देते हैं, लेकिन उसमें से कई बार छोटा टुकड़ा अंदर रह जाता है चमड़ी में, पैर में। फिर आप पैर धोते हैं, नहाते हैं, धीरे धीरे वो पानी अंदर जाता है थोड़ा सा, और वहां पकना चालू हो जाता है, पस भर जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाकर उसको कटवाना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं 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 काटेंगे, तो और बढ़ेगा, बढ़ेगा, पूरे पैर में आपके पस भर जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे। तो ये अधर्म भी ऐसा है, थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? सर्जरी करवा रहे हैं अर्जुन के द्वारा। अर्जुन, ये पांव में घाव हो गया है, वो अंदर जो थोड़ा सा तिनका घुस गया है ना, उसके कारण पस भर गया, वहां पे पूरा काट के निकालना पड़ेगा, अच्छे से मरम पत्ती करनी पड़ेगी, ये सर्जरी करनी पड़ेगी। इसी सर्जरी का नाम है धर्म युद्ध, जो भगवान करा रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी ये देखना चाहिए, पहले तो बड़ों की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले, और ये संस्कार परंपरा से दे बच्चों को, तो इससे क्या होगा? इससे लोग धर्म का पालन करेंगे और हर जगह धर्म बढ़ेगा। जब जहां पे गलत हो रहा है वहां पे सर्जरी की जरूरत है। लेकिन ये कौन करा रहे? भगवान कृष्ण के निर्देश में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हथियार उठाएं और चले जाएं युद्ध करने के लिए।
वो हमें अधिकार नहीं है। वो अधिकार राजा का होता है, राजा प्रतिनिधि होते हैं भगवान के। हरे कृष्ण।